आज दिन भर का कोर्ट का कार्रवाई से ये बात पक्का पता चला कि यहाँ सीबीआई का जो इंक्वायरी हो रही है और कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है, इस निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी दोनों मिलकर के भरपूर प्रयास किया और इसीलिए बहुत सारी अड़चनें आई हैं। कोर्ट में पेशी करना, जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ करना, बार बार इसमें व्यवधान आ रही थी, इसलिए मजबूरन यहां से स्थानांतरण की भी डिमांड की सीबीआई ने और हाईकोर्ट में ले जाने के लिए पेशी करने के लिए भी उन्होंने बार बार और कोर्ट से निवेदन किया। एक बात नजर में बार बार आता है, जब सीबीआई यहां एक्टिव होती है ममता बनर्जी सबसे सामने खड़ी होती है और जितने भ्रष्टाचारी नेता और ऑफिसर है उनको बचाने के लिए वो सामने आ जाती है। इसके पहले राजीव कुमार केस में वैसे ही हुआ था, सीबीआई के अफसर जब उनके घर में पूछताछ के लिए गए वो खुद जाकर वहां पहुंच गई और उनके पुलिस सीबीआई अफसरों को उठा के थाना में ले गए। इस बार भी खुद जाके सीबीआई ऑफिस में 6-6 घंटा तक धरना दिया और उनका ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास किया और बाहर हजार लोगों को जमावड़ा करके सेंट्रल फोर्स को अटैक करना, ईंटा पत्थर मारना और एक अराजकता निर्माण करने की हमेशा प्रयास हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक दिशा में ये कार्रवाई हो रही है और होना भी चाहिए, नहीं तो बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, संविधान की जो अधिकार वो भी प्रतिष्ठित नहीं होगी। एक पार्टी ऐसी है जो देश की अखंडता, यहाँ की विचार व्यवस्था, यहाँ की संविधान, सुप्रीम कोर्ट तक इसको मान्यता नहीं देती है और इस विषय को फिर एक बार लोगों के सामने उजागर होने का मौका आया है। समस्त खबरें तत्क्षणात अपडेट पेते सब्सक्राइब बटन टी क्लिक करे बेल बटन टी क्लिक करुन। आरो खबरें अपडेट पेते सब्सक्राइब करुन आमादेर यूट्यूब चैनल टी और बेल आइकने क्लिक करुन नोटिफिकेशन्स पेते।